देखिए क्वेश्चन है बड़ा सत्रवा क्वेश्चन का जैविक संग्रहालय, ठीक है, जैविक संग्रहालय इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल म्यूजियम किसे कहते हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ता कि संग्रहालय क्या है, संग्रह किसे कहते हैं, कोई बताएगा। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह माने क्या होता है। अच्छा ये बताओ, इकट्ठा करना सजीवों का होता है कि निर्जीवों का होता है, सजीवों का होता है। हमने कहा सजीवों को इकट्ठा कर दो, आप लोगों को इकट्ठा कर दो, रख दो, पैक कर दो, बुझाओगे संग्रह माने इकट्ठा करना है, तो कोई निर्जीव चीज होती है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, निर्जीव चीजों का क्या करने के ऊपर संग्रह करते हैं। इसके पहले जो सुबह क्वेश्चन पढ़ा था वो कौन सा था, वानस्पति उद्यान माने बगीचा, ऐसे बगीचे जहाँ पर पौधों को जीवित अवस्था, बात समझना मेरी बात को, जीवित अवस्था में सुरक्षित रखा जाता उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वानस्पति उद्यान, ठीक है ना। जैसे कोई बगीचा देखा होगा, बगीचा किसका होता है, जीवित पौधों का होता है कि जो सूखे हुए पौधों का होता है, जीवित पौधों का बगीचा होता है, सुना गया। ऐसी कुटा कि हमारा कौन सा जैविक संग्रहालय, इस जैविक संग्रहालय का मतलब देखो उत्तर इसी में है, जैविक मीन्स जीवों का, संग्रहालय मीन्स संग्रह किया जाता, ऐसी जगह जहाँ पर जीवों के अध्ययन के लिए, उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका संग्रह किया जाता है, और उस स्थान को जहाँ पर ऐसा होता है उसे हम जैविक संग्रहालय कहते हैं, समझ आया कि नहीं आ रहा। जैविक संग्रहालय वह स्थान जहाँ पर पौधों एवं जंतुओं के प्रतिरूपों को, प्रतिरूप का मतलब होता है सैंपल, बाजार में जाए सो ने कहा हमें चार डेढ़ कपड़े चाहिए, चाहिए ना, तो हमने कहा चलो ठीक है हमें कोई सैंपल में दे दीजिए घर पर दिखा देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। पौधों एवं जंतुओं के प्रतिरूपों को अध्ययन एवं संदर्भ के लिए संरक्षित रखा जाता है, किसके लिए, आगे फ्यूचर में भविष्य में हमें क्या करना है, उसका अध्ययन करना है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करते हैं उनको संरक्षित कर देते, सजो के रख लेते हैं, समझाया नहीं आ रहा। उसी को क्या बोलते हैं हम, उन्हें जैविक संग्रहालय कहते हैं। बताएगा जैविक संग्रहालय कौन कहलाता, जिसमें जीवों के यानी पौधों एवं जंतुओं के प्रतिरूपों को किसमें किसमें रखा जाता है, जीवित अवस्था, ठीक है ना, जीवित अवस्था होती है, मृत अवस्था होती है, बात को समझना। जो वानस्पति उद्यान होता है, वानस्पति उद्यान में पौधों को कैसे रखते हैं, जीवित अवस्था, लेकिन जो संग्रहालय होता है उसमें उनकी सैंपल को किस पर रखते बेटा, सैंपल को क्या के लिए, अध्ययन के लिए आगे रख दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैविक संग्रहालय कहते हैं। आगे जैविक संग्रहालय में समानता उन पौधों अथवा पौधों के अंगों या भागों का, पौधों को रख सकते हैं या उनके अंगों को रख सकते हैं या उनके भागों को रख सकते हैं, आदि का संग्रह किया जाता है, जिन्हें हर्बेरियम में रखना संभव नहीं होता है। हर्बेरियम आगे मिल रहा है पढ़ने को, हर्बेरियम एक किताब होती है, ठीक है ना, उसमें पौधों को सुखा करके दबा करके रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। लेकिन उस हर्बेरियम में जिन पौधों को रखना संभव नहीं होता है उनको कहाँ रखा जाता है, उनको रखा जाता है जैविक संग्रहालय में रखा जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैविक संग्रहालय। आगे देखिए फिर लिखा हुआ है आगे, जैसे शैवाल, कवक, मांस, फर, अनावृत बीज पौधों के आदि के भाग, ये क्या है, पौधे हैं, इन पौधों पर क्या कर सकते हैं, पर संग्रह कर सकते हैं। फिर आगे लिखो आ गया किसकी अथवा, जैविक संग्रहालय में उपस्थित पौधों तथा जंतुओं के प्रतिरूपों से उनकी प्रकृति के बारे में कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है, ध्यान से समझे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कहा कि हमने फोटो उतराते रख दी, क्यों उतराते थे,
क्यों? क्योंकि जैसे आगे की पीढ़ी क्या कर सके, उसको जानकारी दे सके, हमारे बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसे हम क्या करते हैं पौधों के बारे में पौधों को संग्रह कर लेते हैं, जिससे उनकी प्रकृति के बारे में कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैविक संग्रहालय में पौधों के प्रतिरूपों को कैसे रखते हैं, सुखाकर या प्लेयर में संग्रह किया जाता है। स्कूल में देखा होगा लैब होती है, ठीक है ना, उसमें कोई भी सैंपल होता है पौधे का, जीवों का, और उसको किसमें या तो सुखा करके रख देते हैं या किसी प्लेयर में रख दिया जाता है, ठीक है ना, इसमें रख दिया जाता है सुखा करके या प्लेयर में संग्रह किया जाता है। तथा जंतुओं के प्रतिरूपों को किसमें रखा जाता है, उसको याद कर लेना, फार्मेलिन के ब्रिलियन में, कौन से ब्रिलियन में, फार्मेलिन के ब्रिलियन में संग्रह करके रखा जाता है, जिसके कारण एक प्रतिरूप लंबे समय तक सुरक्षित रखे रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जैसे आज कोई वृद्ध अवस्था में हमने कोई जीव ले लिया, पौधा ले लिया या कोई जीव ले लिया, और उसको कांच के गिलास होते हैं, क्या होते बेटा, ऐसे कांच के बर्तन होते हैं, और उनमें फार्मेलिन का ब्रिलियन डाल दिया जाता है, ब्रिलियन डाल करके उनको रख देते हैं और उस पर नाम डाल देते हैं कि इस पौधे का नाम, इस जीव का नाम जो है, और लंबे समय तक हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो जैविक संग्रहालय कौन कह जाता है, ऐसे स्थान जहाँ पर पौधों एवं जंतुओं के प्रतिरूपों को अध्ययन एवं सुविधा के लिए, ठीक है ना, संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसे प्रभु जैविक संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,